पटना के गर्दनी बाग में रविवार को अतिथि शिक्षकों का एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से शिक्षकों ने शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष तक नियमित नियोजित शिक्षकों के पद को करने की मांग की है। बता दें कि महाधरना के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की है कि 4203 कार्यकर्ता प्लस 2 अतिथि शिक्षकों की सेवा को 60 वर्ष तक नियमित करें। महाधरना कार्यक्रम में आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी शामिल हुए, जहां नीतीश कुमार पर थावा बोलते हुए कहा कि सरकार की नीति शिक्षकों के हित में नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नीतीश सरकार पर शिक्षकों को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन शिक्षकों से सेवा भी ले रही है और नियमित भी नहीं कर रही है, जो शिक्षक और शिक्षण व्यवस्था के लिए निंदनीय है। ये दुर्भाग्य है कि सरकार अगर शिक्षक को गुंडा कह के संबोधित करती है और उससे सेवा भी लेती है, समझा कि नहीं, तो इसको क्या कहा जा सकता है? या तो सरकार बौड़ा गई है या सरकार की समझदारी इतनी ही है। इन लोग अपने मांगों को लेकर बैठे हैं, शिक्षा मंत्री भी आश्वासन दिए थे लेकिन वो खरे नहीं उतरे। बात असल है कि इनकी जो लोकतांत्रिक मांगे हैं उसके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हमारी पार्टी हम उनके साथ हैं, और यदि चुनाव हुए और चुनाव में हमारी सरकार बनी तो हम किसी भी तरह का ठेका वाली बहाली, अतिथि वाली बहाली बंद करेंगे और नियमित बहाली करेंगे, और शिक्षा स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता सूची में होगा। क्या लगता है, नीतीश सरकार नज़रअंदाज कर रही है शिक्षकों को? भाई, नज़रअंदाज नहीं करती तो इनको यहाँ पर शौक से बैठे हुए हैं धरना पे। नज़रअंदाज कर रही है तब ना बैठे हुए हैं। अतिथि शिक्षक का जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक का जिंदाबाद। योजन में तुम आयोजन करना होगा, आवाज बाहर एक है। आज बिहार राज्य उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की ओर से एक दिवसीय महाधरना का मुख्य मांग है 4203 जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं प्लस टू विद्यालयों में, उनकी सेवा 60 वर्ष नियमित करते हुए नियोजन में समायोजन करने की मांग है। चूँकि 17 जुलाई को इस संघ के द्वारा शिक्षा मंत्री के आवास घेराव के दौरान शिक्षा मंत्री ने कमिटमेंट किया था, आश्वासन दिया था हमारा डेलीगेशन के साथ, उस डेलीगेशन में हमारे महासचिव संरक्षक महोदय भी थे, और उस डेलीगेशन में के साथ कहा था कि एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री महोदय से बात करके आप लोग को नियमितीकरण का आदेश निर्गत कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री के द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके सरकार के शिक्षा मंत्री इतना कमज़ोर है कि बिहार सरकार के अपर सचिव भी उनके बातों को दरकिनार करते हैं, और हम लोग सचिवालय में जब जाते हैं मिलने तो यह आदेश करते हैं कि तुम लोग कहीं सचिवालय के अंदर दिखना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि जो शिक्षक आपको शिक्षा दीक्षा देकर मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाया, क्या उस शिक्षक के साथ आप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये हसन करेंगे? गुरु के साथ ये हसन होगा? उन अधिकारियों को कब क्लास लगेगी? हमारी मांगे शिक्षकों का अतिथि शिक्षकों का नियोजन में समायोजन करने की है, क्योंकि हम लोग पूरे 4203 अतिथि शिक्षक सारी मापदंड पूरा करते हैं, हम लोग सभी ट्रेंड हैं, हम सभी योग्य हैं। अगर आपकी मांगे नहीं होती ना मांगे, हम लोग की मांगे अगर दरकिनार किया जाता है, क्योंकि हम तो अभी आशा लेके ही बैठे हुए हैं, अगर दरकिनार किया जाता है, उसको नकारा जाता है, तो हम लोग जान गंवाने के लिए भी तैयार हैं। उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग के बाल बच्चा भूखे मर रहा है आज के डेट में। हम लोग पूरे बिहार में अभी 4203 कार्यरत अतिथि शिक्षक है प्लस टू विद्यालयों में। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। मैं आज सरकार से अपनी मांगे रखना चाहती हूं कि हम लोगों को जो नियोजित शिक्षकों को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो हम लोगों अतिथि शिक्षक को भी मिलना चाहिए, क्योंकि
जब सरकार अप्रशिक्षित को दक्षता परीक्षा लेकर के उनको परमानेंट कर सकता है, तो सरकार हम लोग जो अतिथि शिक्षक जो ट्रेंड होकर आए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको क्यों नहीं हम लोगों को भी समायोजन किया जाए, हम लोगों की भी नौकरी पक्की की जाए। आप लोग शिक्षा मंत्री का घेराव भी किए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें पूरी होंगी, फिर उसके बाद सरकार ने बोला था 2 सप्ताह का टाइम दिया था, हमारा घेराव हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक उस बात को कुछ आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए हम लोग एक दिवसीय आज धरना दे रहे हैं ताकि हम लोगों की बात सरकार तक पहुँच सके।